विधानसभा चुनाव 2022, पीठासीन अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले विभिन्न प्रपत्र, प्रेजेंटेड बाय शैलेन चौधरी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज निजामपुर, बदायूं। आइए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रपत्र हैं जो पीठासीन अधिकारी द्वारा अलग अलग प्रपत्र समय समय पर उस चुनाव के समय भरे जाएंगे। पहला है पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा, भाग एक, मतदान आरंभ होने के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा। सबसे पहले उसमें लिखेंगे कि वो संसदीय क्षेत्र कौन सा है। जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण के तौर पे ले रहे हैं कि 06XYZ कोई विधानसभा संसदीय क्षेत्र है। उसके बाद उसका विधानसभा क्रमांक क्या है, जैसे मान लीजिए हमने लिया है कि 41ABC, कुछ भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको मिला होगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर और उसमें इस क्षेत्र का नाम लिखा होगा। फिर आप लिखेंगे मतदान केंद्र का क्रमांक और नाम, जैसे कि इसमें उदाहरण के तौर पे है 204 प्राथमिक विद्यालय मेरठ कैंट। फिर आप मतदान की तारीख लिख देंगे। फिर उसके बाद आप नीचे ही उसमें पीठासीन प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसमें साइन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मतदान अभिकर्ता यानी एजेंट से वहां पे साइन लेंगे, साइन करवाएंगे और वो किसके किस पार्टी के और किसके जो है एजेंट बनना चाहते हैं उनके करेंगे। यदि कोई मतदान अभिकर्ता जो है मना करता है साइन करने से, तो उसके नाम और जिस पार्टी से बिलोंग करता है उसके यहाँ पे वो नाम दर्ज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे तारीख हम दर्ज कर देंगे जिस दिन चुनाव होना है। उसके बाद पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे। फिर इसके भाग दो में हम देखेंगे कि पीठासीन अधिकारी द्वारा पश्चातवर्ती मतदान मशीन के उपयोग के संबंध में। फिर हम संसदीय क्षेत्र वैसे ही भरेंगे और उसके बाद विधानसभा चुनाव का जो क्षेत्र है वो भरेंगे, मतदान क्रमांक और नाम। फिर उसके बाद जिस दिन उसका मतदान की तारीख है वो भरेंगे, जैसे उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ पे दिखाया है। उसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर यहाँ पे साइन करेंगे। मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर हम वैसे ही लेंगे, इसमें लिख लेंगे। अगर कोई मना कर देता है तो उसमें मतदान अभिकर्ता को इसमें ऐड कर देंगे, तारीख भी डाल देंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर वहां पे साइन कर देंगे। अब भाग तीन में आप देखेंगे कि मतदान के अंत में घोषणा, जैसे कि जब मतदान हो जाता है उसके बाद कौन सी घोषणा करेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर। उसके बाद एक फॉर्म भरा जाएगा, इसका तारीख होगा, मतदान कितने बजे समाप्त हो जा रहा है वो तो भारत निर्वाचन आयोग के अकॉर्डिंग जो समय दिया गया है उसको माना जाएगा। मैंने उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि 5 बजे का, शाम 5 बजे समाप्त हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे दर्ज कर देंगे। उसके बाद पीठासीन अधिकारी वहां पे अपना हस्ताक्षर करेंगे, जो मतदान अभिकर्ता है वहां पे उस पे साइन करेंगे वैसे ही। और यहाँ पे अगर कोई मना कर दे रहा है, यदि कोई अपनी उपस्थित देने से मना कर दे रहा है तो उनका भी साइन कर दे, नाम लिख देंगे। उसके बाद तारीख लिख देंगे और समय लिख देंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर वहां पे अपना साइन कर देंगे। अब आप देखेंगे कि भाग चार, मतदान मशीन को मुहर बंद करने के पश्चात, यानी कि जब आप मशीन को जो है जब बंद कर दिया जाता है उसको पूरा पैक करने के बाद, फिर एक फॉर्म भरेंगे ऐसा ही, उसका ये प्रारूप है। फिर उसमें दिनांक डालेंगे और जो है दिनांक के बाद उसमें जो है मान लीजिए 5:20 पे मशीन को बंद कर दिए। उसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर यहाँ पे साइन करेंगे, मतदान अभिकर्ताओं के साइन कराएंगे। उसके बाद यहाँ पे दिनांक डालेंगे और प्रिसाइडिंग ऑफिसर यहाँ पे साइन करेंगे। अनलग्नक 5, ये जब भरा जाता है, जब कोई मतदान करता जो है मतदान करता चैलेंज वोट की गुजारिश करता है, तो अगर चैलेंज वोट की गुजारिश करता है और लेकिन वो गलत साबित होता है, तब उसके द्वारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा थाना अधिकारी के द्वारा ये भरा जाने वाला पत्र है, शिकायती पत्र है। यहाँ पे थाना अधिकारी वहाँ पे अपना अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग होगा, तो आपने अलग अलग होंगे तो उस पे आप क्षेत्र का नाम लिखेंगे, उनको थाना अधिकारी जी को महोदय को लिखेंगे। उसके बाद संसदीय क्षेत्र आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद निर्वाचन
क्षेत्र मतदान केंद्र संख्या जो है और जहाँ पे हो रहा है मतदान उसका नाम, और फिर उसके बाद मतदान की जो तारीख है वो है, फिर महोदय के बाद जो है जिसने कहा है कि मान लीजिए उसका अनिल है और उसका पूरी डिटेल यहाँ पे भर देंगे, और वो अपने आप को बता रहा है कि मैं लोग यहाँ मुझे बंटू के नाम से जानते हैं या भी जो भी उसका नाम है। उसके बाद उसका वो जिस निर्वाचन क्षेत्र का है, निर्वाचन क्षेत्र का है, उसके बाद यहाँ पे वो उसका भाग संख्या जो 17 के ए में होगा उसका क्रम संख्या यहाँ पे अंकित कर देंगे, फिर वहाँ पे स्थान और तारीख लिखेंगे चुनाव की तारीख, प्रिसाइडिंग ऑफिसर यहाँ पे साइन करेंगे, एक प्रति विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आरओ यानी रिटर्निंग ऑफिसर को प्रेषित कर देंगे, और दूसरा संसदीय क्षेत्र रिटर्निंग ऑफिसर को प्रेषित कर देंगे, और उसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर यहाँ पे साइन कर देंगे और इसकी एक रिसीविंग ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद लगभग साथ में अगर यहाँ पर निर्वाचक द्वारा आयोग की घोषणा के संबंध में घोषणा का प्ररूप, ठीक है। निर्वाचक द्वारा घोषणा पत्र के संबंध में निर्वाचक कहता है कि मेरी ये जितनी है तो आप इस अलग्नक सात को भरेंगे, और उसके यहाँ पे अंगूठे या साइन लेंगे, उसका नाम और उस माता पिता उसकी पूरी डिटेल भरेंगे, निर्वाचक नामावली में जो उसकी संख्या है उसको ये भी एक सचेत कर देंगे कि अगर आपके द्वारा जो घोषणा है आयोग की घोषणा अगर गलत पाई जाती है तो धारा 1950 अधिनियम 1950 की धारा 135 के संबंध में आपको दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। पीठासीन अब यहाँ पे आप दिनांक लिख देंगे, उसके बाद पीठासीन अधिकारी यहाँ पे मतदान प्रिसाइडिंग ऑफिसर के यहाँ हस्ताक्षर हो जाएंगे, फिर उसके बाद मतदान केंद्र की संख्या और नाम और मतदान का तारीख। अब उसके बाद जैसे मान लीजिए यदि कोई आपत्ति यानी चैलेंज वोट वो करता है, तो चैलेंज वोट के संबंध में उसके बाद हम उसमें चैलेंज वोट का एक ये रसीदी है, जैसे मान लीजिए वो कहता है चैलेंज वोट जब भरे जाते हैं, जब वो कहता है कि हाँ मैं ही ये आदमी हूँ और मुझे इस गांव में इस क्षेत्र में इस नाम से जानते हैं, और वो चैलेंज वोट के लिए अपने आप को वो करता है। अगर उसके द्वारा तो उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे 2 रुपए ले लेंगे, और 2 रुपए लेने के बाद ये फॉर्म भर देंगे, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए बुक नंबर 1 है, प्रश्न संख्या 1 है, और उसका नाम और उसके बाद मतदान की तारीख, प्रिसाइडिंग ऑफिसर यहाँ साइन कर देंगे, यहाँ पे मतदान केंद्र संख्या लिख देंगे। अगर वो गलत साबित होता है तो उसके बाद उसको उसको गलत साबित होता है तो SHO अधिकारी को लेटर लिख के उसको पुलिस को सौंप दिया जाता है। यदि वो सही साबित होता है कि हाँ वो, तो उसको जो है उसके 2 रुपए वापस कर दिए जाते हैं। इसका ये प्रारूप है, आप देख लीजिए। फिर ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई मतदाता जो है वोट देने आया और प्रिसाइडिंग ऑफिसर को लग रहा है कि हाँ ये इसने जो है इसकी उम्र बहुत कम है, यानी कि उसके अनुसार ये उम्र 14 या 15 साल का है, लेकिन वो अपने निर्वाचक नामावली में दिखा रहा है कि हाँ उसकी उम्र 18 साल है, तो उसमें मान लीजिए कोई नाम है और उसका नामावली में इतनी इतनी संख्या है और उसमें इसकी एज जो है 18 है, लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर कह रहे हैं ये लगभग 16 साल का है। अगर वो सही पाया जाता है, वो अपने आप को घोषणा मतलब करता है, अपने डिक्लेरेशन देता है कि हाँ मैं हूँ, तो उस समय अगर गलत पाया जाता है तो उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई होगी, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यदि मान लीजिए बाद में अगर वो कह रहा है कि नहीं, घोषणा करने से वो इनकार कर दे रहा है, तो उसका ये नाम ऐसे इस प्रकार एक प्रारूप भर देंगे हम लोग और यहाँ प्रिसाइडिंग ऑफिसर साइन कर देंगे। दूसरा यह है कि मान लीजिए कोई अंधे या कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो शारीरिक विकलांग है या अंधे हैं, शिथिलांग हैं, तो उनके साथ जो एक
साथी आते हैं वो अपने साथी के साथ ये वोट साथी के साथ आकर के वोट डाल सकता है वो। जैसे इसका एक प्रारूप है ये, देखिए आप इसमें जैसे मतदान का क्रमांक वैसे ही लिखेंगे, मतदान केंद्र का नाम मान लीजिए ये मैंने लिखा है, मान लीजिए अजीत है, अजीत जो उनके साथ आए हैं, और उनके पिताजी का नाम अंकित करेंगे, उनकी आयु लिखेंगे और उनका जो है पूरा एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद ये एड्रेस लिखने के बाद कि ये तारीख लिखने के बाद और किसके अभिलेख में मैं, यानी कि जिसका यहाँ पे जिसकी सापेक्ष वोट डलवाया जा रहा है, जिसका वोट डाल रहा है कि मैं अपने अभिलिख किए गए मत को गुप्त रखूंगा और जो यहाँ पे जो साथ में आए हैं उनके साइन यहाँ पे करा देंगे।